हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो है, अगर आप लोग बर्थडे का काम करते हैं तो बर्थडे में बैलून और आर्टिफिशियल, ठीक है ना, बैलून डेकोरेशन और आर्टिफिशियल फ्लावर डेकोरेशन दोनों का मिक्स जो है ना, डेकोरेशन कैसे किया जाता है, तो आज का वीडियो इसी पे है। पूरा डिटेलिंग वीडियो है। अगर इस तरह का काम अगर आप लोग भी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इस तरह का काम कैसे होता है, एकदम सिंपल काम है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखें। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि वेडिंग फ्लावर लाइन से, ओनली फॉर वेडिंग फ्लावर लाइन से हम वीडियो लाते रहते हैं, चाहे वो फाइनल वीडियो हो या डिटेलिंग वीडियो हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा, उसका उसको ऑल कर दीजिएगा, का जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। अगर इस तरह का काम करना चाहते हैं तो वीडियो को आप लोगों को एंड तक देखना है। एकदम सिंपल है और अच्छा डेकोरेशन है। सिंपल में मतलब चीप एंड बेस्ट में जो है ना, एकदम अच्छा डेकोरेशन किया गया है। उसमें ज़्यादा पैसा भी आप मंगा, इस तरह का अगर मान के चले, अगर आप लोग काम करते हैं, पार्टी से काम उठाते हैं, ठीक है, तो 7,000-8,000 जो पार्टी दे दे, 7,000 दे, 8,000 दे, या 6,000 दे, इतना में भी आप जो है ना इस तरह का काम कर सकते हैं। एक तरफ से समझ लीजिए कि आपको ये टू इन वन हो गया। अगर बैलून नहीं करना चाहते हैं तो ओनली फॉर फ्लावर का भी अगर काम कीजिएगा तो हल्दी वेदी में हो गया, छोटा मोटा पूजा का जो डेकोरेशन होता है उसमें हो गया, उसमें भी जो है आप लोग जो है इस तरह का काम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें टोटल का टोटल डिटेलिंग है। सबसे पहले आप देखें कि फ्रेमिंग कैसे बांधा गया, ठीक है। शुरुआती तो आप फ्रेमिंग से ही कीजिएगा, फ्रेमिंग कैसे बांधा गया है, और फ्रेमिंग बांधने के बाद इसमें कपड़ा कैसे लगाना है, ठीक है ना, पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप इसमें काम किया गया है। पहले फ्रेमिंग बांधा जाएगा, फ्रेमिंग बांधने के बाद जो है कपड़ा लगाया जाएगा, कपड़ा लगाने के बाद उसमें उसी शो या हिटलॉन हो उसके बाद फ्लावर लगेगा। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप काम है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, अगर इस तरह का काम अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जितना स्पेस आप जहाँ भी आप काम कीजिएगा उसके हिसाब से आपको स्पेस और हाइट, कितना स्पेस में आपको काम करना है, 12 फीट में करना है, ठीक है, 12 फीट लंबाई में करना है या 8 फीट लंबाई में करना है या 10 फीट लंबाई में करना है, तो जिस हिसाब से आपका स्पेस रहेगा उसी हिसाब से आपको काम करना है। और हाइट, सेलिंग का हाइट जो भी रहेगा, क्योंकि अक्सर जो है अगर बर्थडे का जो काम होता है या तो वो घर के अंदर होता है या मतलब कोई हॉल उल हो उसमें होता है, बहुत कम ऐसा होता है जो पंडाल में, ठीक है ना, पंडाल में बर्थडे का काम किया जाता है या बर्थडे होता है, बहुत कम, अक्सर जो है घर में ही बर्थडे का काम। तो उसी हिसाब से अपना देख लीजिएगा कि उसका सेलिंग का हाइट क्या है और उसका जो है मतलब उसी उसका साइज कितना है, 8 फीट है, 10 फीट है या 12 फीट है, उसी हिसाब से। बाकी रहा फ्रेम का डिटेलिंग में, तो फ्रेम का डिटेलिंग में आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में कि इसका जो फ्रेम का जो डिटेल है, मतलब फ्रेम का जो साइज है वो कितना साइज है, ठीक है ना, टोटल का टोटल मैं आपको डिटेल बता दूंगा। जैसे कि आपने, मैंने आपको कहा था कि पूरा स्टेप बाय स्टेप डेकोरेशन है। आप खुद देख रहे हैं कि सबसे पहले मतलब पिलर जो है, पिलर को बांधा गया, उसके बाद कपड़ा लगाना है, उसके बाद इसमें जो है कपड़ा लगा, कपड़ा कैसे लगाना है उसका भी वो सिस्टम है कि कपड़ा कैसे लगाया जाता है। इसलिए मैं कहते रहता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिए, जो भी डिटेलिंग अगर वीडियो हो ना तो उसको एंड तक देखना रहता है। अगर इस तरह का काम समझना चाहते हैं तो पहले नीचे ऊपर कैसे बांधा गया, फिर नीचे कैसे बांधा जाएगा, इसका पूरा डिटेलिंग रहता है। इसलिए इस कारण जो है वीडियो थोड़ा लंबा बन पाता है। मान के चलिए कि 20 मिनट का वीडियो है, तो डिटेलिंग वीडियो किसी का भी रहेगा ना, कोई भी चीज़ का डिटेलिंग वीडियो हो, चाहे वो फ्लावर का हो या बिजली का हो, कोई भी मतलब का डिटेलिंग और वीडियो हो तो लंबा बनता ही है। कपड़ा मान के चले, कपड़ा लगने के बाद इसको टाइट कैसे किया जाएगा, ठीक है, इसको टाइट भी करना है। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही कपड़ा लगा दिए ऐसा ढीला ढीला, नहीं, कपड़ा को टाइट भी कर किया जाता है। तो कैसे टाइट करना है वो भी आप देख लीजिए किस तरह से टाइट किया जाएगा इसको। इसमें जो तार यूज होता है, देखा है, देखिए जो तार जो यूज होता है, इसी हिसाब से आपको कपड़ा को टाइट करना है। ऊपर का कपड़ा और नीचे का कपड़ा दोनों को एक दूसरे से तार से
ला करके टान करके बांध देना है। आपका कपड़ा जो है अपने आप जो है आपका कपड़ा जो है पूरा टाइट फुली टाइट हो जाएगा। कपड़ा टाइट अगर लगा हुआ रहेगा तो देखने में बेहतर रहता है, ठीक है, देखने में अच्छा लगता है। अगर वही कपड़ा आपका ढीला रहेगा तो बेकार लगेगा देखने में। तो मैं कह रहा था कि इसमें जो तार जो यूज होता है वो तार मतलब 24 नंबर तार होता है, ठीक है, हम लोग उसको 24 नंबर, सामने में आप देख रहे हैं तार जो है, तार आपको 24 नंबर तार फ्लावर डेकोरेशन लाइन में यही 24 नंबर तार होता है। किसी भी आर्टिफिशियल दुकान में आप अगर जाइएगा आर्टिफिशियल फ्लावर दुकान में, उसको बोलिए अगर 24 नंबर तार चाहिए तो आपको दे देगा। कपड़ा लगने के बाद आप आराम से जो इसमें जो चीज़ से आप काम करते हैं हिटलॉन से करते हैं तो हिटलॉन से कीजिए, उसी से करते हैं तो उसी से कीजिए। हिटलॉन और उसीस में अंतर ये है, ठीक है ना, हिटलॉन और उसीस में अंतर ये है कि उसीस में आपको बहुत जल्दी काम हो जाएगा क्योंकि ओसीस जो है फोम होता है, ठीक है, तो उसमें जो फ्लावर जो लगाइएगा ना तो बहुत जल्दी लगते जाता है। ये जो हिटलॉन जो है थोड़ा हार्ड है, मतलब कहने का मतलब कि ओसिस जो हुआ थोड़ा सॉफ्ट हुआ और हिटलॉन जो होता है थोड़ा हार्ड होता है, तो हिटलॉन में आपको फ्लावर जल्दी नहीं घुसते रहता है, इस कारण जो है उसमें मतलब डेकोरेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन ओसिस में ऐसा नहीं, ओसिस में सॉफ्ट है, मतलब ओसिस जो होता है सॉफ्ट होता है, इस कारण उसमें आराम से जो है बहुत जल्दी में बहुत तेजी में भी फ्लावर का काम हो जाता है। गार्डन बहुत अच्छा लगता है देखने में, गार्डन आपको इसमें भी ठीक रहेगा लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और ओसिस में एक तो बात यह है कि अगर ओसिस में अगर आप लोग गार्डन करते हैं तो फ्लावर का अगर काम कीजिएगा तो उसमें आपको जाली लगाना पड़ेगा, बिना जाली लगाए हुए ओसिस में आप लोग काम नहीं कर सकते, समझ गए ना। तो ओसिस में जाली कैसे लगाना है उसका भी वीडियो अपलोड है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर के सर्च मारिएगा कि ओसिस में जाली कैसे लगाएं, तो आपको वीडियो वहां से मिल जाएगा, वहां से जाकर के भी आप लोग जो है आराम से देख सकते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, पहले फ्रेमिंग बांधा गया, फिर कपड़ा लगाया गया, उसके बाद फिर हिटलॉन लगाया गया और उसके बाद जो इसमें गार्डन किया जाता है। तो हम लोग जो फ्लावर का गार्डन करते हैं अक्सर ऑर्किड और लीची पत्ता से ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें काम बहुत जल्दी खिंचाता है। कार्नेशन में अगर कीजिएगा तो कार्नेशन में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम लोग जो है लीची पत्ता और ऑर्किड दो ही फ्लावर का काम करते हैं। शुरू शुरू में जब भी हम लोग भी जब मतलब जैसे कि स्टार्ट किए थे, हम भी जो स्टार्ट किए थे फ्लावर डेकोरेशन का काम, तो कार्नेशन का ही काम करते थे क्योंकि कार्नेशन फ्लावर जो है हल्का सस्ता आता है, ठीक है ना, कार्नेशन फ्लावर सस्ता आता है और लीची पत्ता या आपका ऑर्किड जो थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, अगर आप लोग पैसा फंसाना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऑर्किड से एक काम कर सकते हैं, नहीं तो आप कार्नेशन से भी काम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। कार्नेशन का गार्डन भी अच्छा होता है, अगर कार्नेशन का गार्डन भी अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि कार्नेशन फ्लावर का गार्डन कैसे किया जाएगा, ऑर्किड का तो गार्डन आप सामने में देख ही रहे हैं कि ऑर्किड का गार्डन कैसे किया जाता है। अब कार्नेशन या कंडीशन जो भी बोलिए, कंडीशन कार्नेशन उसका कैसे मतलब गार्डन किया जाता है, तो उसका भी वीडियो अपलोड है, बस वही कीजिएगा, चैनल पर जाइएगा और चैनल पर जाकर के सर्च मारना है कि कार्नेशन फ्लावर का गार्डन कैसे करें, वो वीडियो आपको वहां से मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। मलिफोर गार्डन का वीडियो रहेगा तो वहां से भी आप जाकर के देख सकते हैं कि कार्नेशन फ्लावर का गार्डन कैसे कर होता है, ठीक है ना। मतलब कोई भी फ्लावर का गार्डन आप पर्सनली अगर आपको मान के चले कि लीची पत्ता ऑर्किड हो गया, पर्सनली इसी का आपको अगर मलिफोर गार्डन का काम देखना है कि गार्डन कैसे किया जाता है, ठीक है, तो बस चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर सर्च मारिएगा कि लीची पत्ता ऑर्किड का गार्डन कैसे करें तो वीडियो आपको मिल जाएगा, कार्नेशन फ्लावर का गार्डन कैसे करें तो वीडियो आपको मिल जाएगा। बस मेरे ही चैनल पर जाकर के सर्च मारना है तो आपको वीडियो आराम से मिल जाएगा। मतलब बहुत वैरायटी में, जैसे कि होता है ना एक गो डिजाइन से दो गो डिजाइन तीन गो डिजाइन, तो हर एक वैरायटी में जो है गार्डन का वीडियो अपलोड है, वहाँ पर जाइए आराम से देखिए और सीखिए कि आर्टिफिशियल फ्लावर गार्डन कैसे किया जाता है। अगर यहाँ से सीखना चाहते हैं तो यहाँ से भी सीख सकते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से आप देखते हैं पूरा वीडियो तो इससे क्या हो जाएगा कि फिर आपको ये भी अंदाज़ा मिल जाएगा कि डेकोरेशन कैसे किया गया था, इसको खड़ा कैसे किया गया है। टोटल तो आप देख लिए हैं, ठीक है, टोटल आप समझ गए हैं कि इसको फ्रेमिंग कैसे बांधा गया, इसमें कपड़ा कैसे लगाया गया, उसीस कैसे लगाया गया, फ्लावर कैसे लगाया गया, अब इसको खड़ा कैसे किया जाएगा, फिर इसमें बैलून का काम कैसे किया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरा जो है
स्टेप बाय स्टेप इसमें वीडियो बना हुआ है, तो हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप होगा। पूरा डेकोरेशन होने के बाद अब इसको खड़ा किया जाएगा, ठीक है। खड़ा कैसे करना है वो भी आप देख लीजिए। इसका जो बैक साइड है, ठीक है, बैक साइड में क्या लगाना है तो देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। इसके बैक साइड में आपको ऐसा क्या लगाना है जो देखने में और बेहतर लगेगा। गार्डन तो आप देख लिए, अब इस गार्डन को हल्का भड़कदार अगर बनाना है, मतलब भड़कदार करने का मतलब कि देखने में और अच्छा लगे, थोड़ा भरा भरा लगे, तो हर एक बीच में देख लीजिए इसी हिसाब से जो है सिंगल सिंगल लीची पत्ता जो है लगाते जाइए। इसी हिसाब से आपको जो है सिंगल सिंगल लीची पत्ता आपको लगाते जाना है चारों बगल, जहाँ तक जहाँ से शुरू किए हैं गार्डन और जहाँ तक ख़त्म किए हैं वहाँ पर तक जो है आराम से लीची पत्ता लगाते जाइएगा, आपको जो गार्डन जो है आपको देखने में और बेहतर लगेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसके बैक साइड में क्या लगाना है, तो अगर आप लोग पास पाटा है, ठीक है, पाटा है तो बैक साइड में पाटा भी लगा सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आप लोग 7x12 में काम किए या 7x8 में काम किए, जैसे कि 8 फीट लंबाई हो गया, आपका जो है 7 फीट जो उसका खड़ाई हो गया, तो अगर 8x7 में काम किए तो आपको 2 ठो पाटा लगेगा 7x4 का, ठीक है, और अगर 12x7 में काम किए तो आपको 3 गो पाटा लगेगा 7x4 का। और अगर पाटा नहीं लगाना चाहते हैं, ग्रास लगाते हैं, अगर आप लोग पास ग्रास है तो ग्रास और अच्छा लगता है देखने में, ठीक है, ग्रास और बेहतरीन लगता है देखने में, तो ग्रास आप देख लीजिए कि ग्रास आपको किस हिसाब से लगाना है। इसलिए मैं कहते रहता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिए, किसी का भी वीडियो हो, अगर डिटेलिंग वीडियो हो तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, तो ही आप समझ पाइएगा कि इसका जो पूरा डेकोरेशन जो है कैसे किया गया है। इसी हिसाब से आपको ग्रास लगाना है। लाइन थोड़ा कट गया था, ठीक है, अभी जो आपको अंधेरा हल्का हल्का दिख रहा होगा तो लाइन कटने के कारण जो है अंधेरा है, क्योंकि वीडियो को हम रोक नहीं सकते थे, काम को तो करना ही था, लेट भी हो रहा था, इस कारण जो अंधेरे में ही काम, मतलब मोबाइल का फ्लैश लाइट जला करके काम इसमें किया गया था। तो ग्रास इसमें ग्रास लगाने का आपका फायदा यह है कि ग्रास अगर आप लोग दो ठो ले लेते हैं, मात्र 2 पीस 7x4 का हो या 8x4 का हो, ठीक है, देख लीजिए ग्रास पीछे बैक साइड में ग्रास लगाने के बाद कितना बेहतरीन लगता है। और आप लोग ग्रास 2 ठो भी ले लेते हैं तो किसी भी मतलब काम कीजिएगा ना, छोटा मोटा इस तरह का डेकोरेशन आप छोटा मोटा पूजा में भी कर सकते हैं, समझ गए, छोटा मोटा पूजा हो गया, बर्थडे डेकोरेशन हो गया, हल्दी मेहंदी हो गया, रिंग सेरेमनी हो गया, इसमें भी आप इस तरह का छोटा मोटा काम कर सकते हैं। और ग्रास लगा देते हैं बैक साइड में तो और बेहतर लगेगा दिखने में। ग्रास आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, 7x4 का अगर 2 गो ग्रास लेते हैं, 7 फीट लंबा 4 फीट चौड़ा, तो आपको लमसम 3000 के समथिंग आपको पड़ेगा, 3,350 रुपया के आसपास आपको आ जाएगा 2 ठो ग्रास 7x4 का। आपका आप जो फ्लावर का जो काम था उसमें टोटल फ्लावर का काम आपका पूरा क्लियर हो चुका है। अब इसमें बैलून कैसे लगाया जाता है सो आप देख लीजिए, इसमें बैलून का काम कैसे करना है सो आप समझ लीजिए कि इसमें बैलून का काम कैसे होगा। ये मिटालिंग बैलून है, ठीक है, इसको जो है ना मिटालिक बैलून कहा जाता है, जनरल बैलून भी आता है। मिटालिक बैलून आपको 70 रुपये पैकेट मिलेगा, हम लोग इधर मिलता है 70 रुपये पैकेट, समझ गए, हम लोग इधर आपको मिलेगा 70 रुपये पैकेट दरभंगा बिहार में, और आप लोग इधर कैसे मिलता है सो आप समझ लीजिए। और जनरली बैलून जो है आपको 50 रुपये मिलता है,
जनरल वैल्यूम 50 रुपये, ये जो आपको मिटालिक आपको मिलेगा 70 रुपये पैकेट। तो बीच में जो आप ये राउंड के जो बीच में आप जो कपड़ा जो देख रहे हैं, पानी पानी कपड़ा जो लगाया गया है, तो इस तरह से कपड़ा लगाने से देखने में थोड़ा बेहतर लगता है। हल्का सा तिरछा लगा करके कपड़ा ही नहीं देख ली कि आप सीधा लगा भी, हल्का तिरछा लगेगा। जब उसको खड़ा फ्रेम को खड़ा किया जाएगा ना, तो आपको तिरछा अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसी हिसाब से जो है आपको वैल्यूम इसमें लगाना है। आप मिटालिक वैल्यूम लगाइए या जनरल लगाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से आप पार्टी से पैसा लीजिएगा या जिस तरह का पार्टी आपको डिमांड करेगा, उसी हिसाब से आपको वैल्यूम भी लगाना है। तो आपका डेकोरेशन हो गया। मात्र इसमें 2 ग्रास हम लगाए हुए हैं 7x4 का, ठीक है। तो फ्रेम का साइज आप समझ ही लीजिए कि जैसे कि 7x7 फीट का 2 पिलर है खड़ा, उसके ऊपर से 8 फीट का बीम है। बात को समझ गया ना, 8x7 का भी है मेरा फ्रेमिंग, 8x7 का है। और उसका दीजिए राउंड जो आप देख रहे हैं, 6x6 का पूरा फुल राउंड है, फुल्ली राउंड। इसका लंबाई चौड़ाई सब जो है 6x6 ही है, 6 फीट लंबा 6 फीट चौड़ा। तो अगर आप लोग 6x6 का बनाना चाहते हैं तो 6x6 भी बना सकते, 6x6 का भी बना सकते हैं। नहीं तो मेरे हिसाब से 5x5 का जो सही रहेगा, 5 फीट लंबा 5 फीट चौड़ा, क्योंकि 6x6 बहुत हैवी हो जाता है। तो आप लोग 5x5 का जो है राउंड बना लीजिएगा, 6x6 का राउंड बहुत बड़ा हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद मान के चले कि जो दोनों वैल्यूम लग गया है, ब्लैक और गोल्डन, अब इसमें सिल्वर वैल्यूम अगर जो आपको लगाना है, इसको हल्का सा डिजाइन देना है, तो सिल्वर वैल्यूम को जो हल्का हल्का छोटा छोटा साइज में ले जाएगा, ठीक है ना, हल्का हल्का छोटा साइज में। अब देखिए सिल्वर वैल्यूम का आपको लगाना कैसे है, अब बीच में जो हल्का सा जगह छूट गया था जिसमें जो पानी पानी कपड़ा लग गया था, उसमें आप फ्लावर का गार्डन कर दीजिए तो और बेहतर लगेगा देखने में। और दोनों साइड से जो है सिल्वर वैल्यूम जो है जो अभी फुलाया जा रहा था, उसको आराम से छोटा छोटा बना करके और 3-3 पीस बांध करके आराम से कहीं 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 उसमें मतलब डबल टेप के माध्यम से उसको चिपका देना है। इसी हिसाब से देख लीजिए, ठीक है, डबल टेप के माध्यम से इसको चिपकाने के लिए आपको डबल टेप लेना पड़ेगा, वो भी आपको बैलून के दुकान में ही मिल जाएगा। आपको जो है बैलून के दुकान में ही आराम से मिल जाएगा डबल टेप, ठीक है। ये आपका बैलून का जो काम जो भी है वो आपका जो टोटल का टोटल फाइनल हो चुका है। अब उसको सेटिंग कैसे किया जा रहा है देख लीजिए, 20 सेंटर में आपको सेटिंग करना है, पूरा फाइनल है। इसमें कुछ काम और बचा हुआ है, सो भी आप देख लीजिए, इसमें कुछ काम क्या थोड़ा सा काम है। इसमें जैसे रिबन जो आता है ना, रिबन एक जो है जो कि आप जैसे कि फ्लावर डेकोरेशन का जो काम करते हैं, गाड़ी अगर सजाते हैं तो गाड़ी सजाने में भी आपको काम आएगा रिबन, ठीक है। इस तरह का रिबन आता है, वो आपको आर्टिफिशियल फ्लावर दुकान में भी मिल जाएगा, कच्चा फ्लावर दुकान में भी मिल जाएगा, और जिस दुकान में अगर आप लोग बैलून लीजिएगा ना, बैलून उस दुकान में ही मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, इसको आपको कहीं कहीं जहां आपको सही लगे बस वहां लटका करके इस तरह से उसको जो है 3 से 4 खुंडी, ठीक है ना, 3 से 4 जगह उसको आराम से उसको फाड़ देना है। इसको फाड़ दीजिएगा, ये अपने आप जो है डिजाइन का रूप ले लेता है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस इसी हिसाब से कहीं कहीं लगा दीजिए, इसी हिसाब से फाड़ दीजिए, ये अपने आप जो है डिजाइन बन जाएगा और देखने में अच्छा भी लगता है। चारों बगल से जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर इस तरह का 3-3 मिनट बैलून लगाया है ना, उसी हिसाब से इसको लगा करके उसको फाड़ करके लटका दीजिए। तो फ्रेंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें या बेल आइकन को जोर दबा दें, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि वेडिंग फ्लावर लाइन से हम वीडियो लाते रहते हैं, चाहे वो फाइनल हो या डिटेलिंग हो। और आप लोग भी चाहते हैं कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा, उसको ऑल कर दीजिएगा। इसके बाद हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। देख लीजिए हर एक जगह पे इसी एक गोरी बन आप लाइएगा ना, एक गोरी बन आपको है 30 से 40 रुपये में आपको देगा, ठीक है। एक गोरी रिबन अगर आप लोग लाते हैं तो इसी हिसाब से एक गोरी बन में आपका जो है काम निकल जाएगा। बस कुछ इसमें दिमाग ही नहीं लगाना, आराम से उसको बैलून पर ही लटका देना है, इसी हिसाब से उसको फाड़ देना है। अब इसमें हो गया कि इसमें बैलून अति जो हैप्पी बर्थडे फाइल जो आता है, हैप्पी बर्थडे जो लिखा जो हुआ जो आता है, उसको कैसे लगाना है। वो हैप्पी बर्थडे अगर लीजिएगा तो उसका रेट लमसम आपको 120 रुपये पड़ता है। इसमें भी कलर आता है, ठीक है, गोल्डन हो गया, सिल्वर हो गया, और भी मतलब 2-4 कलर रहता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो भी कलर आपको लेना है,
और हैप्पी बॉडी में जो है ना उसमें छोटा सा पाइप लगा हुआ रहता है, इसको आप मशीन से नहीं फुला सकते हैं। मशीन से फुलाएगा तो फूटने का डर रहता है, इसलिए इसको जो है मुंह से फुलाया जाता है। ठीक है, इसी हिसाब से उसमें छोटा सा पाइप, उसी में पाइप दिया हुआ रहता है, बस वही पाइप हल्का हल्का घुसा करके ऐसे इसी इसी हिसाब देख लें, इसी हिसाब से आपको पाइप घुसाना है। पाइप घुसाने के बाद मुँह से जो है आराम से उसको फूक करके लगा दीजिए। किसी रस्सी भी आपको उसी में मिलेगा, वही पैकेट में, इसको हैप्पी बर्थडे का फॉइल बोला जाता है, फॉइल तो इसी में आपको मिलेगा। बस इस तरह से लगा लीजिए, हैप्पी बर्थडे का जो भी लेटर है, लेटर अपने हिसाब से लिख लीजिए। जैसे कि हैप्पी कहोगे एच डल पी वाई हैप्पी, अब बर्थडे का नीचे, तो इसी हिसाब से आप लेटर लगा करके इसको लगा दीजिए। तो अब जो है आपका ये डेकोरेशन पूरा फाइनल है। चैनल पर बने रहिएगा, इसी तरह का वीडियो अपलोड होता रहेगा, इसी तरह का वीडियो अपलोड होता रहेगा। ये हो गया पूरा फाइनल आपका मिक्स बैलून और आर्टिफिशियल फ्लावर डेकोरेशन, मिक्स बर्थडे डेकोरेशन।